कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यस फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मेरे चैनल में आपके साथ कुछ प्रोडक्ट रिव्यू भी शेयर करती हूँ, तो मैं आज आपके लिए अपना एक और नया प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ। आई होप कि आपको मेरे प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आ रहे होंगे। और यस फ्रेंड, अगर आपको मेरे प्रोडक्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जैसे ही अपना एक नया प्रोडक्ट रिव्यू या अपना पर्सनल रिलेटेड रिव्यू, किसी से भी रिलेटेड कोई नया वीडियो बनाऊंगी और उसको यूट्यूब में डालूंगी, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, तो जो आज का जो प्रोडक्ट है वो केमाई का हेयर स्ट्रेटनर है। आज मैं इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केमाई का हेयर स्ट्रेटनर है, इसको मैंने अमेजोन से परचेस किया है, और उसकी जो MRP थी वो 899 थी, जहाँ पे 40% ऑफ हो गया, तो मेरे को 499 का ये पड़ गया है अमेजोन से। और यस, जहाँ से मैंने इसको परचेस किया उसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं बता दूं कि इसके जो दो कलर अवेलेबल हैं अमेजोन पे, एक ब्लैक कलर है, एक पिंक कलर है, तो मैंने ब्लैक कलर परचेस किया है। आप इसमें पिंक कलर भी ले सकते हैं। अभी क्या अमेजोन में बहुत सारे परसेंट, मतलब जो 40% 35% इस टाइप से कुछ अमेजोन में इधर उधर हो जाता है, तो मेरे को 499 का पड़ा। आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा महंगा भी पड़ जाए, थोड़ा और कम सस्ता भी मिल जाए, बाकी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रेटनर के बारे में आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटनर है ये मेड इन चाइना है। ओके फ्रेंड्स, और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन्होंने अपने बॉक्स में क्या क्या क्लेम किया है। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट में बताया है फास्ट रेडी, मीन्स इसको गर्म होने में कुछ 30 सेकेंड लगते, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। ओके, सेकेंड में हीट, मतलब इसकी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हीट है वो 220 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और नैनो सिम्बर टेक्नोलॉजी, मतलब जो ऊपर में, जैसे कि हम जहाँ से बाल स्ट्रेट करते हैं तो जो ऊपर में, मतलब एक जो प्लेट रहती है वो नैनो सिल्वर टेक्नोलॉजी का वहाँ पे इन लोग ने यूज़ किया है। और फोर्थ नंबर पे इन्होंने बोला कि टेम्परेचर कंट्रोल है। तो यस फ्रेंड, जैसे कि सारे स्ट्रेटनर में टेम्परेचर कंट्रोल देते ही हैं, तो इसमें भी बेसिकली इसमें भी रहेगा। तो ये तो बेसिक सी बात है जो कि सारे स्ट्रेटनर में आपको मिलती है, तो डेफिनेटली इसमें भी मिलनी थी। तो टेम्परेचर कंट्रोल है, और सेरेमिक कोटिंग का यूज़ किया है इन लोग ने, जो है वो सेरेमिक कोटिंग का यूज़ किया, ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है कि जो सेरेमिक कोटिंग है ना, उससे हमारे जो बाल हैं उनमें ज़्यादा हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग कोट की जो बात कर रहे हैं, मतलब जो प्लग की जो कोड रहती है, मीन्स जो वायर रहता है हिंदी में बोला जाता है, तो उसकी जो कोड है वो काफ़ी लॉन्ग दी गई है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिल जाता है कि आपको एकदम प्लग के पास खड़े होकर अपने बाल को स्ट्रेट नहीं करना है। लॉन्ग कोट से क्या होता है कि हम प्लग आराम से लगा सकते हैं और आराम से इजीली कहीं चेयर में बैठ के अपने बाल को स्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तब हम स्ट्रेटनर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटनर में और क्या क्या आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रेटनर, देखिए जैसे कि मैं ओपन कर रही हूँ, ये है आपका स्ट्रेटनर जो कि ब्लैक कलर में है। केमाई, फुल नाम क्या है इसका, KM329 स्ट्रेटनर। ओके, और जैसे कि मैं जो लॉन्ग कोड की बात कर रही थी, जैसे कि आपको दिख रही होगी ये जो कोड है ये काफ़ी लॉन्ग है इसकी, इसीलिए आपको दिख रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये कुछ 1.8 मीटर की कोड इसमें दी गई है, मीन जो वायर है वो 1.8 मीटर का है, जो बहुत अच्छी बात है। और सेरेमिक कोटिंग, जैसे कि मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे जो ऊपर है सेरेमिक कोटिंग का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे बालों पे जो क्या बोलते हैं हीट है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बाकी यहाँ पे इन्होंने जो अपने जो टेम्परेचर कंट्रोल दिया, जैसे कि इन्होंने क्लेम किया है, तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, और यहीं पर ऑन ऑफ का बटन दिया है। बाकी कुछ खास इसमें दिया नहीं है, बाकी सिंपल स्ट्रेटनर है, और ये काफ़ी मोटा है, तो यहाँ से बालों के स्ट्रेट करने में, मतलब इजीली अपने बाल यहाँ पे आ जाते और अपन आराम से
स्टेट कर सकते हैं। चलिए तो हम इसको प्लग लगाते हैं और इसका स्विच ऑन करते हैं और मैं आपको अपने बाल स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स तो मैं आपको इससे बाल स्ट्रेट करके दिखाती हूँ और आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे को मेरे फुल लेंथ के जो बाल हैं उनको स्ट्रेट करने में कितना टाइम लगा। और उस स्ट्रेट करने से पहले एक बात मैं बता दूँ कि जो मार्केट में ना बहुत सारे हेयर स्ट्रेट प्रोटेक्शन स्प्रे भी आते हैं, सीरम भी आते हैं, तो उनको यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो प्लीज़ उनका यूज़ बिल्कुल कीजिए। और मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने से पहले लेवॉन का यूज़ करती हूँ। लेवॉन से क्या होता है कि अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो काफ़ी शाइनी दिखते हैं और कोई स्टाइलिंग करते हैं तो वो भी काफ़ी कूल दिखती है और मतलब आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो अगर आप बालों को स्ट्रेट करते हैं तो प्लीज़ लेवॉन का यूज़ ज़रूर करना क्योंकि जो बाल है वो काफ़ी शाइनी और नेचुरल लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले प्लग ऑन कर लेती हूँ। चलिए तो ये रहा प्लग, मेरे से पीछे बोल रहे तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ उसको। ओके चलिए तो हमारा स्ट्रेटनर ऑन हो गया। यहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, जो ब्लू कलर की लाइट है वो जल रही है। ओके फ्रेंड्स ये देखिए ब्लू कलर की लाइट दिख नहीं रही है क्या? हाँ ये ब्लू कलर की लाइट जल रही है, ये पावर में रेड कलर का। तो यहाँ से आप इस बटन से ही आप अपना जो पावर है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं करके दिखा रही हूँ, इसी से आपको पावर अपना कम ज़्यादा करना है और इसी से आपको ऑन ऑफ करना है। तो चलिए अब बाल स्ट्रेट करती हूँ। तो मैं अपने बालों को 200 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेट करूँगी। इसकी हाईएस्ट तो 220 डिग्री है पर मैं इतना हाईएस्ट अपने बालों को स्ट्रेट नहीं करती हूँ। मैं मीडियम टेम्परेचर में रखती हूँ तो 200 काफ़ी है, मतलब इट्स ओके। 200 में आप अपने बालों को इजीली आराम से स्ट्रेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हीट में मत करिए क्योंकि बाल ख़राब होते हैं। और बाल स्ट्रेट करने से पहले बता दूं कि जो बाल हैं उनको डेली आपको स्ट्रेट नहीं करना है। आप अपने बालों को कभी कभी मतलब कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, शादी वगैरह मतलब कोई फंक्शन है तो इसमें स्ट्रेट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने बालों में लेमन यूज़ कर लीजिएगा बालों को स्ट्रेट करने से पहले, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है चलिए तो मैं सब 30 सेकेंड का टाइम दिया है तो जब तक हमारा स्ट्रेटनर रेडी हो रहा है तब तक हम लोग लेवॉन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ओके तो लेवॉन लगाने पर सबसे पहले आप अपने बालों को कॉम कर लीजिएगा और उसके बाद आप फिर अपने बालों में लेवॉन यूज़ कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स तो मैंने कॉम करके रखा था, मैं लेवॉन यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद चलिए तो लेवॉन यूज़ हो गया है और स्मेल से पता चल जाता है कि हमारा स्ट्रेटनर जो है वो रेडी हो गया, क्योंकि थोड़ी सी स्मेल आने लगती है जैसे कि कोई जल रहा हो। और आपने बाल स्ट्रेट करने से पहले आप अपने जो बाल हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ऐसे इस टाइप से। बाकी के जो बाल हैं आप उनको पीछे कर सकते हैं या एक साइड में कर सकते हैं। मैं इस तरीके से अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ, फिर इस तरीके से मैं अपने बालों को पकड़ूँगी और बस ऐसे करके अपने बालों पर आप इसको रखेंगे और स्मूथली आप इसको डाउन की तरफ लेते हुए आएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये बाल जो है वो ज़्यादा कर्ली नहीं है, थोड़ी स्ट्रेट है तो मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको इस तरीके से अपने बालों को स्ट्रेट करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कि ये जो मेरे बाल हैं वो इतने स्ट्रेट हो गए, थोड़े डिफरेंस दिखता है। चलिए मैं पूरे बाल स्ट्रेट करती हूँ साइड के, फिर आपको मैं डिफरेंस दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको आपके इतने बाल हो गए हैं, फिर आपको थोड़ा सा पार्ट भाग का अपने बालों का थोड़ा सा पार्ट लेना है, फिर से उसको इस तरीके से ही आपको स्ट्रेट करना है। We'll be right back.
आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा कि इस टाइप के बाल अभी स्ट्रेट करना बाकी है, तो आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो ये इस तरीके से आपको दिखेंगे। चलिए मैं इस साइड के बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फुल बाल दिखाऊंगी कि मेरे जो बाल हैं वो स्ट्रेट होने के बाद किस तरीके के दिखते हैं। ओके, तो सेम प्रोसेस आपको करना है, आपको उसी तरीके से अपना छोटा सा पार्ट अपने इस साइड के बाल का लेना है, बाकी के जो बाल हैं उनको पीछे कर लीजिए। इस तरीके से अपने बालों को पकड़िए, फिर इस तरीके से आपको बालों को लगाना है और इसमें भी आपको डाउन की तरफ अपने स्ट्रेटनर को लेते हुए इस तरीके से। मेरे जो बाल हैं वो नीचे की तरफ बस ज़्यादा राउंड राउंड है, बाकी ऊपर से स्ट्रेट है, तो मैं ज़्यादा ऊपर से मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं बस नीचे नीचे थोड़ा सा स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ अपने बालों में। अगर मेरे को कहीं बाहर जाना है या रेडी, मतलब कहीं पार्टी में रेडी होने के लिए, जस्ट नीचे नीचे मेरे जो बाल हैं वो नीचे साइड में बस करती हूँ, बाकी ऊपर से तो स्ट्रेट है, तो मेरे को स्ट्रेटनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, तो देखिए मैं अपने फुल बालों को स्ट्रेट कर चुकी हूँ। बाल स्ट्रेट करने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अगर आप लिबॉन यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल हैं वो स्ट्रेट के बाद काफ़ी शाइनी लगते हैं। तो मैं आपको अपना एक सीक्रेट बता चुकी हूँ, और अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मीन्स ओके ओके प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें मेरे को बाल स्ट्रेट करने में कुछ 20 मिनट लग गए, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इससे छोटे बाल हैं तो आपको कम टाइम भी लगेगा, इससे बड़े हैं तो इससे ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अगर इस प्रोडक्ट के लिए मेरे को आप बोलें तो ओके प्रोडक्ट है, इसको बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, अभी प्राइस भी कम है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट भी अच्छा है। और यस फ्रेंड, तो मेरा जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करती हूँ, मेरा रिव्यू कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो। और यस फ्रेंड, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जैसे ही अपना एक और नया प्रोडक्ट रिव्यू लेके आऊँगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करती हूँ, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।